राम राम जी, कैसे हैं आप? आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी सब ठीक हैं। अभी तो सुबह 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 का टाइम है, बस मैं नहा ली हूँ और अभी आज शीतला सप्तमी है तो अभी जाएंगे पूजने के लिए। मुझे तो नहीं जाना, लेकिन मैं अभी देखिए गुलगुले बना रही हूँ, मीठे पूरे जैसे बोलते हैं। एक टॉट मेरा बन के तैयार है, दूसरा बनने वाला है, दूसरा बनने वाला है बस। और बस अब चावल मैंने रात को ही बना लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों से ही बुझता है। और बस बच्चों को उठा रही हूँ, अक्षत उठ गया है, राशि गई है नहाने के लिए। बच्चे ही जाएंगे अपनी ताई जी के साथ जहाँ पूजा करने के लिए। तो अभी बस उठाती हूँ उनको, तैयार करके भेजती हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिलती हूँ आपसे। पूजा की थाली तैयार हो गई है। ये है गुलगुले, मीठे चावल, और ये दाल जो है, रात को हम थोड़ी थोड़ी सी दाल, थोड़े थोड़े दाने जो हैं भिगो कर रख देते हैं, और हल्दी जो है टीकी के लिए, और बस इसमें पैसे रख दूंगी। कहाँ जाने के लिए कह रहा है ये? स्कूटर चलाने के लिए नीचे। अक्षत क्यों चलाना था जो स्कूटर, ये बता दे। हैं? साइकिल चला, साइकिल चला ले, ऊपर से मंगवा ले साइकिल। हैं? इधर देख के बोल मेरे को, मुझे पता क्या बोल रहे हैं। ये कब पूरा है? 10,000 की साइकिल खराब कर दी। कुछ खाना नहीं है अब तुम्हें? खाना नहीं खाना? क्यों, क्या खा लिया आज? पकोड़े खा के, आज पकोड़े खा के इतना पेट भर गया कि ना लंच ना डिनर है। आगे से पकोड़े नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, नहीं बनाना, फिर आगे से नहीं बनाना। नहीं, अब पकोड़े नहीं बनाऊंगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि पकोड़े, जिस दिन पकोड़े बनते हैं हमारे यहाँ पे खाना ही नहीं बनता उस दिन, पूरा दिन ना फिर लंच बनता ना डिनर बनता, कुछ भी नहीं, कोई कुछ खाता ही नहीं है। फिर पकोड़े इतने बन जाते हैं, देख लो कैसे बोल रहा है। हल्के भी तो होते हैं पकोड़े, तेल में ऊपर तैरते रहते हैं। हाँ हाँ, और कुछ और कुछ चीज़ तो खा लेनी चाहिए। कहाँ, तो हमारा आज प्लान था कि हम सुबह पकोड़े खाएंगे, लंच में हम पुलाव खाएंगे, और डिनर में खाएंगे आलू की कचौड़ी, क्योंकि आज माता पूजी है। तो आज जो है तवानी चढ़ना था, और कहा हमने बस पकोड़े खाए हैं और बस, और कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पूरा दिन हो गया। आपने करा था? थोड़ा सा कुछ बना दूं, पुलाव बना दूं, अब खिचड़ी बना दूं। सुबह 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 क्या खिचड़ी? सुबह तो हम बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे बाहर। बाहर कुछ नहीं, कल बनाएंगे दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। राम राम जी। आज है बुधवार और अभी 12 बज रहे हैं। अभी नाश्ता वगैरह सब कर लिया है हमने, और कार्तिक अभी पढ़ रहा है, और राशि गई है कॉलेज, और देखिए
देखिए ये महाराज अभी सो रहे हैं अक्षत जी, और ये गए हैं अभी टमाटर लेने क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है और टमाटर थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, और बाज़ार भी मैं काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ सब्जी लेने के लिए, तो अभी इनको भेजा है कि थोड़े से ही ले आओ अभी सब्जी के लायक, ताकि सब्जी तो बन जाए अभी खाना बन जाए, क्योंकि अक्षत कार्तिक को भी अभी जाना है 2:30 उसकी क्लास है, तो अभी 2:30 नहीं है शायद 3:00 है, तो 2:30 पे निकलेगा, और अभी काम नहीं हुआ है क्योंकि ये देखिए मैं आपको ये जो वुड वर्क कराया है तो अभी पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, ये इस तरह से इसमें जो है ये बबल्स आ गए हैं सनमाइका में इस तरह से ये जो है, तो इसलिए ये वाली सनमाइका जो है चेंज हो रही है, ये बॉर्डर पर ही आया फ्रेम पर जो लगी हुई है, ऐसे ही यहाँ पर भी है देखिए, ये इस जगह जो है ये पूरी इस पर बबल्स आए हुए हैं, तो अभी काम करने के लिए आए हैं लड़के, तो अभी कर रहे हैं करेंगे अभी वो ऊपर गए हैं सनमाइका वगैरह कट करने के लिए, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ किस तरह से ये जो है ये बबल्स हैं ये सारे, बहुत गंदा लग रहा है ये देखिए, बस ये फ्रेम पर ही है जो फ्रेम पर लगाई है, तो इसे अभी चेंज करेंगे ये देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से बबल्स आ गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा मेरा सारा जो है, तो इसको चेंज कराएंगे क्योंकि इसको दिखाया था नहीं, वैसे तो सारा काम अच्छा ही हो गया है बढ़िया और टाइम पे भी हो गया है, लेकिन ये जो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है देख, फिर ठेकेदार को फ़ोन किया था कारपेंटर को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चेंज करा देते हैं, अभी आए हुए हैं लड़के, बस अभी यही चल रहा है और अभी बस काम करूँगी, ये जब करके चले जाएंगे सारा काम उसके बाद ही घर का साफ सफाई का काम होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताते रहिए कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, और कुछ आपको स्पेसिफिक कुछ अगर देखना है तो उस बारे में भी ज़रूर बताइएगा, तो मिलती हूँ आपसे। तो अभी मेरा लंच बन गया है और मैंने बनाया है पनीर पेशावरी और रोटी, और ये कार्तिक का लंच है, अभी कार्तिक जी करेंगे, कार्तिक खा के देखो, और पनीर पेशावरी जो है कार्तिक की और अक्षत की फेवरेट है, तो इस सब इसकी रेसिपी जो है पनीर पेशावरी की आपको मेरे चैनल माई स्टाइल कुकिंग पर मिल जाएगी, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो जाकर ज़रूर देखिएगा और बनाकर ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा, और कार्तिक खा के बता, गरम 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 ही खा, नहीं नहीं मैं गरम खाता हूँ, चल तो खा के बता। और ये बना रही हूँ मैं तंदूरी रोटी तवे पर ही, और अभी बनाकर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बन गई है मेरी रोटी तंदूरी रोटी, और इसको ये देखिए इसको थोड़ा सा हम पीछे से इस तरह से हल्का हल्का सेक लेंगे, स्वाद बिल्कुल बहुत टेस्टी आता है, आप भी बनाकर जरूर खा लेंगे, कार्तिक ले तंदूरी रोटी खा के देख, इसके साथ तंदूरी रोटी खा के देख,
अभी यही नहीं शुरू, वो छोड़ देना, ठंडी हो गई ये, अभी और भी गर्म आई होगी तो खा के तो देख, सब्जी तो देख खा के, ठंडी से खा के देख बताना। ये प्लेट गिरेगी, ठीक से रख। गर्दन ऐसी मत हिला, बता कैसी है। एक और भाई हाथ में बोलते हैं, एक बार में नहीं पता चलता। इसको इसे कैप्सिकम और ये टमाटर प्याज सबके साथ खा के देख, जब अच्छी लगती है। कलर तो अच्छा आ रहा है ना। और इनके मुंह में पानी आ रहा है सब्जी देखकर। तंदूरी रोटी तो खा, गरम है अभी तो, वो गरम ही खाते पागल। मैंने अभी बोला था मैं गरम नहीं खा रहा। अब खाई तूने? हाँ, फिर कैसी है? कड़क, ठंडी तो हो गई, वो कड़क क्या रही? अरे देखो, कोई किसी से कम नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, कितने शरीफ है, वाह। ये देखो, ये देखो, ये वाओ वाओ, मजे आ गए, मजे आ गए। सबको पहचान है आपके चेहरे, सबको पहचान है, कितना भी चेहरा छुपा लो दोनों। मम्मी किसकी वीडियो बना रहे हो?